वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गई हूँ आपके पास। तो आई यूनिवर्सिटी के बच्चे जो आराम से बैठे हुए उनके साथ छेड़खानी करते हैं। ये है लाहौर की दुनिया, लाहौर की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। उमर क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, सामने देखें, आप मुझे बताएं कि कितने सेमेस्टर आपके हो गए? मेरा 6 सेमेस्टर हो गया, इसमें 7 सेमेस्टर। ओके 7। अच्छा, कैसी जा रही है स्टडी? अच्छी जा रही है। पढ़ने का दिल करता है? हाँ करता है। पक्का? हाँ कर रहा था, अभी तक इधर टिका हुआ। वैसे पॉइंट तो सही है आपका। चलो मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप मुझे बताओ वो कौन सा मैमल है जो छलांग नहीं लगा सकता? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो कौन सा मैमल है जो छलांग नहीं लगा सकता? छलांग नहीं लगाते मेरे ख्याल से। हाँ तो एक मैमल का नाम बताओ, वो कुछ हैं जो लगा सकते हैं, वो छलांग नहीं लगा सकता, वो कौन सा है? नहीं आता जवाब, टाइम लो, तुक्के मारो। शार्क। वो तो पानी में कुछ मुगन। जो दिमाग पे जोर डालो, अगर छलांग नहीं लगा रहा तो क्यों नहीं लगा पा रहा, क्या रीजन होगा, फिर रीजन से आपके माइंड में आ जाएगा। जिसकी टांग नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, सही सलामत है। वो कौन सा मैमल है जो छलांग नहीं लगा सकता? सबसे आसान सवाल। जिसको छलांग ना लगानी आती हो? नहीं आती है उसको लगानी, मगर वो नहीं लगा सकता, उसकी अलावा उसके अंदर ये नहीं एबिलिटी दी कि वो छलांग लगा सके, से वो हर लिहाज से स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होता है बच्चा किसी चीज का? काफी बड़ा होता है। काफी बड़ा होता है। अब और क्या बताऊं, इतनी बता दी है। एलिफेंट। या फाइनली बिल्कुल सही जवाब, इतनी हेल्प करने के बाद। चलो ये लो जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। यू वेलकम जी। नाजरीन, एलिफेंट जो है वो छलांग नहीं लगा सकता। चलें किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ैनब बतूल। क्या करती हैं आप? मैं बीएस साइकोलॉजी कर रही हूँ। ओके जी, कितना सेमेस्टर चल रहा है? मेरा 7th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला। ओके, एक रह गया जी, एक। ओके जी, अच्छा मुझे बताओ कि क्लास में या आपके दोस्तों में कौन है जो सबसे ज़्यादा शरारती है, जो क्लास में फन करता है, तुच्छे लेता है? सादिया। ठीक हो गया। चलो जी मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, मुझे बताओ वो कौन सा जानदार है जिसके 20,000 दांत होते हैं? 20,000 दांत होते हैं? 20,000 दांत होते हैं। नहीं पता, थोड़ा सोचो, तो कई लगा लो। ओके, कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं। थैंक यू जी। नाजिम, उनका सवाल का जवाब नहीं आया, किसी और से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मरियम जावेद। क्या करती हैं आप? एक्चुअली आई एम स्टूडेंट हियर। ओके, स्टूडेंट हैं, ठीक हो गया। इस वक्त आप प्रोग्राम में हैं भूजो तो जीतो में, मैं आपसे सवाल करूंगी, अगर आपने सही जवाब दिया तो लाहौर न्यूज़ आपको इनाम देगा। अच्छा आप मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो हाथ में होने के बावजूद हाथ खाली रहते हैं? हाथ में होने के बावजूद हाथ खाली रहते हैं। सॉरी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाजरीन, बड़ी प्यारी लड़की थी वो बिलाल के बट्टे में, लेकिन जवाब नहीं आया। कोई बात नहीं, किसी और से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुबारिया साहब। क्या करती हैं आप? मैंने एडमिशन लिया है इस साल। जुबारिया का मतलब? जुबारी ब्लूमिंग स्टार। ओह वेरी नाइस, नाम किसने रखा? मामा ने। मामा ने, क्या पढ़ती हैं आप? मैंने डी फार्मेसी में एडमिशन लिया। अभी लिया जी। कितने अरसे का? 5 ईयर्स। बेस्ट ऑफ लक। मुझे बताओ, मैं आपसे सवाल करती हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? आपको नहीं पता, थोड़ा सोचो तो सही। चलो मुझे ये बता दो कहाँ पर, इजी कर दे, नाम मुश्किल होता ना, बस ये बता दो कहाँ पे मैं इनाम। लंदन। तो नहीं रहा था मुझे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सवाल है। आप जीत गई। थैंक यू। अब अपने लिए क्लैपिंग करें। मुझे ये बताओ आप कि यूनिवर्सिटी का सबसे जो कहते हैं ना प्रोमिनेंट बच्चा, वो कौन है? प्रोमिनेंट बच्चा?
अभी तो मैं नहीं हूँ, अभी तो मैंने आना है इसलिए मुझे पता नहीं है। चलो ठीक हो गया, आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से ये लो। थैंक यू। यू वेलकम जी। नाजरीन मुझे थोड़ी कंफ्यूज थी लेकिन उसने बता दिया कि लंदन में है और इस पर ही उसने कहा मुझे नाम चाहिए, किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अस्मा। अस्मा क्या करती हैं आप? मैं बीए साइकोलॉजी कर रही हूँ। ओके जी, तो यूनिवर्सिटी में कैसा रहता है आपका दिन? बहुत अच्छा, एज यूजुअल। ओके, कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो? डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, बट दो स्लॉट्स होते हैं मेरे पास, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अभी तक मैंने मॉर्निंग ही लिए हैं ज़्यादा, सो इट्स लाइक 9 to 2:30 और 3। ओके ठीक हो गया। तो गर्मियों में तो ज़्यादा गर्मी लगती है, तो सर्दियों में ज़्यादा होगा? सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन ऐसा है कि लाहौर है तो सर्दी बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है। हम बड़ा मिस करते हैं सर्दी को, तो कभी ट्रिप्स वगैरह पर चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी के ट्रिप्स जो जाते रहते हैं, तो दैट्स फाइन। ओके चलो जी, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जो जितना मर्जी पैदल चले थकती नहीं? चुंटियाँ। सामने देखें खराब हो जाती है वो, कुछ भी नहीं चलती रहती, चलती रहती बट थकती नहीं, नेवर कंप्लीट। टाइम चलता रहता है। हाँ वक्त तो चलता रहता है, गुजर भी जाता है, कुछ चलती है वो चलती है। चाइना के लोग चलते रहते हैं। ओके ठीक हो गया, क्या शेयर करेंगे आप हमारे साथ? मैं एक जोक सुना सकती हूँ? जरूर जी, जोक सुनाइए। नॉक नॉक। हु? हाय। हु? हाय। Hi hook, hi hook, hi hi. Hi hook, hi hook, hi hi. Very nice. जी ले जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। वेलकम जी। नाजरीन एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी हमारे साथ और उसने जो है वो मेरा फेवरेट कितना फेवरेट जोक सुना दिया जो मुझे भी बड़ा पसंद है। हाई हुक हाई हुक, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महनूर अहमद। क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ। ओके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? नहीं मैं एडमिशन के लिए आई हूँ। ओके आप आज एडमिशन के लिए आए? जी। आप सामने देखें। अच्छा एडमिशन में आई, एडमिशन के लिए आप आए हो, किस में एडमिशन लेना? मैंने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ओके तो बेस्ट ऑफ लक। हो गया? नहीं अभी तो अप्लाई किया मैंने सिर्फ। अच्छा चलो ठीक है। सोका प्रोग्राम में हो भूजो तो जीतो में, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, अगर आपने मुझे सही जवाब दिया तो लाहौर न्यूज़ आपके नाम देगा, राइट? मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर सोते हैं? कहाँ पर सोते हैं? घर में सोते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा? क्लास में सोते हैं, ड्यूरिंग लेक्चर सोते हैं। नहीं फिर कहाँ सोते हैं? सोचो कहाँ सोते हैं। दुनिया में एक वक्त में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर सोते हैं? कहाँ पर सोते हैं? रात के टाइम सोते हैं। नहीं कहाँ पर सोते हैं? सोते तो रात में पर कहाँ पर? रात जगह तो नहीं है ना, रात तो रात है। बेड पर सोते हैं। नहीं। अच्छा जी आपको जवाब नहीं है, अब आप हमारे साथ क्या शेयर करेंगी? कोई मैसेज, कोई सॉन्ग, कोई रेसिपी, एनीथिंग? मुझे कुछ भी शेयर करना आपके साथ। हाँ तो फिर अगर शेयर करोगी तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ। मैं आपसे क्या शेयर करूँ, मुझे बता दे। आपको कोई रेसिपी आती, कुछ अच्छा बनाती हो, नहीं तो कोई सॉन्ग सुना दो, कोई शेर सुना दो, एनीथिंग। किस में कंफर्टेबल हो? मैं आपको सुना देती हूँ, दिल दिल पाकिस्तान। ओके दिल दिल पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान। ओके आई एम डन। ओके जी ये लो जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। ओके थैंक यू। ये वेलकम जी। नाजरीन ये लड़की अभी एडमिशन के लिए आई थी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बड़ी प्यारी सी थी, किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? निमरा। क्या करती हैं आप? मीडिया साइंसेस बी। ओके कैसी जा रही है आपकी स्टडी? बहुत अच्छी। कितना सेमेस्टर? फिफ्थ। ओके चलो जिस वक्त प्रोग्राम में हो बूझो तो जीतो में, ठीक है मुझे बताओ, मैं आपसे सवाल करती हूँ, वो क्या चीज़ है जो हाथ में होने के बावजूद हाथ खाली रहते हैं? हवा।
वो क्या चीज है जो हाथ में होने के बावजूद हाथ खाली रहते हैं? नहीं आइडिया, क्या शेयर करेंगे आप? इन टोटका जी, लाइक अगर आपको सन टैनिंग हो जाती है, आप उस पर मुल्तानी मिट्टी लगाएं तो आपकी वो सन टैनिंग दूर हो जाती है। अच्छा चलो शुक्रिया। तो परफ्यूम यूज करती हो? या किस चीज़ की खुशबू पसंद है, किस फूल की खुशबू पसंद है? जैस्मीन। जैस्मीन की। चलो जी मैं आपको लाहौर की तरफ से परफ्यूम कलेक्शन दे रही हूँ, आपने इस्तेमाल करनी है और फीडबैक देना है, ठीक है? यू मोस्ट वेलकम जी। नाज़रीन ने भी लाहौर का जो है वो इनाम जीत लिया किसी और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नाइमा। नाइमा क्या करती हैं आप? आई एम स्टूडेंट हियर ऑफ एमफिल बेसिकली। एमफिल जबरदस्त। किस में कर रही हैं एमफिल? बिजनेस मैनेजमेंट। ओके तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद PhD। जबरदस्त। आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं। थैंक यू। चलिए जिस वक्त प्रोग्राम में हैं बूझो तो जीतो में, मुझे बताएं किस जानदार के जो दांत हैं वो 20,000 होते हैं, यानी कि 20,000 दांत होते हैं? डायनासोर? नहीं। न्यूज़ की दुनिया है, तू खबरें सुन और देखता जा, तू खबरें सुन और देख। और कौन सा ऐसा जानवर है जिसके 20,000 दांत? किस जानदार के दांत 20,000 हैं? दैट्स नॉट एन एनिमल। लाहौर की दुनिया। जानदार है, कुछ भी हो सकता है। लाहौर की दुनिया। क्रोकोडाइल। चले कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं क्या सुनाएंगे आप? क्या सुनाऊंगी, कुछ थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। सॉन्ग सुनाएं, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा ज्यादा सुना दे। माड़ा तो माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा गिला कराऊं मैं तलख वारी, बिस्मिल्ला कराऊं करा। थैंक यू। वेरी वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम जी। नाज़रीन एक बड़ी प्यारी प्यारी आंखों वाली लड़की थी हमारे साथ और बड़ा मजा आया, हमने उनसे बात की, किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हफ्सा तवस्सल। क्या नाम है? हफ्सा तवस्सल। अच्छा मुझे सारी बातें एक साइड पे, तुम्हारे बालों का राज क्या? मेरे नेचुरली ऐसे हैं। ये बड़े प्यारे वाले माशाल्लाह। मेरे असल में एक्चुअली मेरे फादर के भी ऐसे हैं और मदर के भी ऐसे हैं, तो मतलब हम सब के ऐसे ही हैं। वेरी नाइस। ये कोई टोटका छोटका नहीं है? नहीं कोई नेचुरली टोटका नहीं है, बस ऑयलिंग या डिफरेंट अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो ख़राब नहीं होते बाल, बस ऐसे होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी इस वक्त प्रोग्राम में हैं बूझो तो जीतो में, ठीक है? अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो लाहौर न्यूज़ आपको इनाम देगा, राइट? चलो बताओ पढ़ क्या रही हो? मैं अभी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, तो कितनी रहती है आपकी पढ़ाई? अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। अच्छा अभी तो आए हो, कितने टाइम किया? अभी 4 years किया है। ओहो 4 years, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा मुझे ये बताओ आप कि वो कौन सी मुर्गी है जो नीले अंडे देती है? नीले मुर्गी नीले अंडे देती है। मुर्गी की एक नस्ल है जो नीले रंग के अंडे देती है, आपने बस उस नस्ल का नाम बताना। नहीं मुझे इतना नॉलेज नहीं है। कुछ और शेयर करोगी? कोई रेसिपी, कुछ खाना पकाया कभी? नहीं, एक ही दफा बस मैंने पैटीज बनाए थे। पैटीज तो बता दो कैसे बनाए थे और नाम ले लो। उसमें मायनीज, चिकन, कोरिएंडर और उसमें आपने उसको पूरा मिक्स करना है, फ्राई करना है और फिर उसके बाद पैटीज बनाने हैं अपने, उस जो होती है समोसा पट्टी जो होती है उसके ऊपर रख के उसको बना के फिर उसके बाद फ्राई करना। ज़बरदस्त। और नमक मिर्च वगैरह? हाँ वो मैं कितनी ऑब्वियसली वो अगर कोई ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो वो डालें, नहीं तो नॉर्मल बस नमक और मिर्च। हाँ वेरी नाइस। ये लो जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। जी नाज़रीन बड़ी प्यारी लड़की थी हमारे साथ और बड़ा मज़ा आया, उससे हमने बात की और उससे जो हमको पैटिस बनाने सिखाए, पैटी बॉक्स आई थिंक उसका कहने का इरादा होगा, मुझे तो लगता है अच्छे होंगे। ट्राई करिएगा जो वेले बैठे रहते हैं गेमें खेलने की बजाय, आप कुछ पकाते रहा करें, ट्राई करते रहा करें, ठीक है? किसी और से बात करें।
جی ناظرین بہت تھک گئی ہوں میں، تو میں لیتی ہوں ایک بریک، سو لیٹس ہیو اے بریک۔